जाएंगे। सर हाँ बेटा सर मॉड्यूल्स में से है ना, मैंने किया था बट उसमें से थोड़े डाउट्स थे। कभी पूछेंगे आप? देखिए जरा, ऑस्मोसिस क्या होती है? तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एसपीएम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउ टू सॉल्वेंट्स ओनली। डिफरेंस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ बोथ होता है। डिफ्यूजन यूनिडायरेक्शनल है और ये बाई डायरेक्शनल है। ऑस्मोसिस थ्रू एसपीएम होता है, डिफ्यूजन विदाउट एसपीएम होता है। चलिए
हो गया कॉपी? यस सर। सर माइक ऑफ है।
ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. एक्सपेरिमेंटी से बर्कले हार्ट के मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. थ्योरेटिकली करने के लिए बाय सावंत लॉ है, जहां कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. गेलुसॉक वॉन्ट ऑफ लॉ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, सो पी बाई टी इज कॉन्स्टेंट. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एस टी बनता है, राइट. दिस इज फॉर वन मोल, पीवी इज इक्वल टू एस टी. एस जो है मोलार सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट है, अगर एन मोल्स है तो पीवी इज इक्वल टू एन एस टी हो जाएगा. देखिए पीवी इज इक्वल टू एन एस टी हमने जो फाइंड किया. एन बाई वी को हम मोल पर लीटर यानी कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पी इज इक्वल टू सी एस टी, पी प्रेशर, सी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, टी टेम्परेचर इन केल्विन, एस मोलार सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू 0.0821 होता है. अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि ये फॉर्मूला आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन याद करेंगे तो वो यही था, ये उसके ही सिमिलर हो जाता है. वहां पर हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा था, वैल्यू ऑफ आर और एस इज सेम, ठीक. एन बाई वी हमने वहां भी पढ़ा है, ठीक. हम उसे कॉन्सेंट्रेशन बोलते थे. तो अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है इसे याद रखने में तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो ये भी सिंपल है, पी इक्वल टू सी एस टी होता है. देखिए ये टर्म
कॉपी हो गया ये? हाँ बोलिए भाई। यस सर हो गया। सर ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ना? देखिए जरा, आइसोटोनिक कंडीशन हमें बोलते हैं, इसमें केस वन हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ठीक है, हमारे पास आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी वन टी वन इज इक्वल टू सी टू टी टू लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर हम बात करें तो सी वन इज इक्वल टू सी टू हो सकता है, या और सी वन क्या होता है, मोल पर लीटर इन टू बाई लीटर। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जिनपे हमें क्वेश्चन करने होंगे, नोट कर लीजिए, अभी स्टार्ट करेंगे।
देखिए जरा क्वेश्चन नंबर वन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57, 7 लिखा है मैंने ना, इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार कैलकुलेट मोलार मास ऑफ पॉलीमर। दूसरा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 15 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.877% सॉल्यूशन ऑफ एक्स, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, और केन शुगर का मास आपको गिवन है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तीनों? यस सर, करिए।
कौन हुआ सर? हाँ ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके चैट पे आंसर भेजिए मुझे।
अभी सिर्फ दो ही लोगों ने आंसर भेजे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं कि नहीं सॉल्व भाई? मैं करूं फर्स्ट वाला क्वेश्चन? यस सर, फर्स्ट वाला नहीं आ रहा। चलो मैं कर देता हूं। ठीक है, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वही लगाना है, एन आर टी या एन एस टी जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 2.57 इंटू 10^-3। वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आपको लीटर में बदलना पड़ेगा, 10^-3। वेट आपको सॉल्यूशन 1.26 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है, आर 0.82 होता है। टेम्परेचर आपको 300 गिवन। ये वैल्यूज आपने पुट करी है इस तरीके से? यस सर। तो बस उसके बाद तो फिर सीधा सीधा सॉल्व करना है आपको। आंसर आपका 610-399। ये आंसर आ रहा है। जिसका मैच नहीं किया वो मैच करा दो भाई। ठीक है ना, सेकंड वाला करिए, सेकंड और थर्ड। मैंने फोर्थ लिखा हुआ है, वो भी सिमिलर मेथड से ही करना है आपको। करिए,
गाइस सेकंड क्वेश्चन हो गया? यस सर। ठीक है, 5% शुगर मतलब क्या होता है? 5% शुगर का बोलिए, बताएंगे? 5 ग्राम कैन शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन। परफेक्ट। तो आपका ये फॉर्मूला है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू आरटी। क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। वेट बाय वॉल्यूम आपको गिवन है 5%, यानी 5/100। मॉलिक्यूलर वेट हो गया 342, आर हो गया 0.82 और टेम्परेचर हो गया 15, यानी 298। यही किया है बेटा आपने? यस सर। 3.45। बस यहाँ एक ही बात याद रखिए कि आपको ग्राम पर एमएल दिया है, तो इसे आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही आंसर है? यस सर, यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थर्ड वाला अटेम्प्ट कर लिया कि नहीं कर लिया अभी? यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। थर्ड वाला करता हूँ। फाइव परसेंट सॉल्यूशन आइसोटोनिक, तो 5/342 × 100 इज इक्वल टू 0.877 m × 100। ये आपको सॉल्व करना है बस। आइसोटोनिक है तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर दिया, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बोल रहे हैं, तो यहाँ से m आपका कितना आएगा? 59.98 आ रहा होगा। आया है कि नहीं आया? Yes. सर, मेरे को 60 आया। हाँ ठीक है, वो अप्रोक्स तो 60 हो गया। फोर्थ वाला किया है क्या? यस सर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल? क्या आंसर आया है? 22.41। और किसी का आया है? ऐसा फोर्थ वाला नहीं आया। नहीं है। देखिए फॉर्मूला तो पीवी इक्वल टू एनआरटी ही लगना है। वॉल्यूम आपकी बार आपको बताना है, 1 ग्राम मोल यानी एन आपको पता है। प्रेशर आपका 180 m है, 0.82 आर हो गया और टेम्परेचर 273 हो गया। ये है आपका। लीटर ही आएगा। Thank you.
सर होंगे लिख, मैं आगे करूं हटा दूं पूरा? यस सर हटा दो। देखिए अभी तक हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, नॉर्मल थी। अब हम उन प्रॉपर्टीज की बात करें जहां एबनॉर्मेलिटी आती है। तो एबनॉर्मेलिटी कैसे आ सकती है? जब नंबर जो है एक्सपेक्टेड से चेंज हो जाए। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दो रीजन से हो सकती है, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन या अगर एसोसिएशन हो जाए आपका, उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अब यहां पर हम जो चीज करने जा रहे हैं, देखिए नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। एबनॉर्मल जो है वो आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। वेंट ऑफ फैक्टर आई जो होता है वो आपका इसका ही रेशियो होता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उन सब के ऊपर बात कर रहे हैं, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना? डेल्टा टीबी जैसे हमने पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीबी नॉर्मल। डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीएफ नॉर्मल। या फिर नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल। कर लीजिए सर, ऑब्जर्व की वैल्यू क्वेश्चन में देगी ना? हाँ, नॉर्मल वो जो हम कैलकुलेट करें, ऑब्जर्व वो जो एक्सपेरिमेंटल मिले। अभी करके बताते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें और जानने की हैं। कर लीजिए इसको कॉपी पहले आप। वेंट ऑफ फैक्टर,
मुझे आंखों थे अच्छा फर्स्ट ईयर से पर सरंजना विचलो तो था मेरे ला सरंजना हो टाइम पे तेंता उधर लेक्चर अस्तो तेंता सांग दो तीन उड़ो हाँ उड़ो उड़ो हाँ अच्छा ना को छुट्टी बतो मोहन अंगों कार है तो अब तो है लपुन कॉपी हो गया अभी कैसा होता है कि अगर एबनॉर्मल हो जा रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूलाज देखने होंगे। तो अभी तक हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा जैसे हमने अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा सीआरटी होता है। अब क्या होगा इसमें एक एडिशनल फैक्टर आएगा आईसीआरटी होता है। हमने डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था केबी इंटू मोलैलिटी। अब एक एडिशनल फैक्टर हो जाएगा आई केबीएम डेल्टा टीएफ आई केएफएम। तो ये जो एडिशनल फैक्टर आई आ रहा है ये हमको फाइंड करना पड़ता है। अब कैसे फाइंड करते हैं तो अगर केस डिसोसिएशन का है फॉर डिसोसिएशन ध्यान से देखें अल्फा इज इक्वल टू एन माइनस वन सॉरी आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन ये आपका होता है। अब अल्फा क्या है तो अल्फा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एन नंबर ऑफ आयंस आई वेंट ऑफ फैक्टर हम जैसा आपको बताया ये हमारा फॉर्मूला होगा फॉर डिसोसिएशन। इसी तरह अगर एसोसिएशन होगा तो मैं अभी क्वेश्चन करा के आपको समझाऊंगा कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जस्ट इसका उल्टा वन माइनस वन बाई एन ये भी अल्फा इज इक्वल टू है। अब की बार हम अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं और एन को नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं टू मोल्स कंबाइन थ्री मोल्स कंबाइन जो भी आप इसको लिख लीजिए फिर मैं एक बार आपको अप्लाई करके बताता हूँ। कॉपी हो गया
finds went off factor when 30% of sodium chloride ionized 70% of AlCl3 ionized 50% CaCl2 ionized 90% Na3PO4 ionized. अब कैसे करना होगा इन क्वेश्चन को, इनमें सब में आपको आई निकालना होता है और ये आई निकालने के बाद ही हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर पाते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, आयनाइज्ड 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 मतलब इट्स अ केस ऑफ डिसोसिएशन, ये वाले केस की हम बात कर रहे हैं। अल्फा हमें पता है, पहला केस हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर आपको खुद से करना है। पहले में अल्फा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 30% मतलब 30/100 गिवन अल्फा। आई कितना है हमें तो निकालना है, 1। एन कितना होगा, एन मैंने बोला नंबर ऑफ आइंस, तो सोडियम और क्लोराइड कितने आइंस आ रहे हैं, समझ आया गाइस? हाँ सर समझा। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, 1.3, बस हो गया पहला केस। समझ आया पहला केस? यस सर। चलो तो फटाफट से नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन के आई फाइंड करने हैं और ये सारे केसेस आयनाइजेशन या डिसोसिएशन के।
हो गया सॉल्व? बी में 70% है तो 70/100 हो गया, आई माइनस वन हो गया, AlCl3 चार आयंस बनेंगे, 4-1 हो गया, कितना आ रहा है? बताइए जरा, कैलकुलेट किया कि नहीं किया भाई इन सब में, आई कितना आ रहा है? सब बी में 23, बी में 23 आ रहा है पक्का? किस 23 कैसे आ सकता है? जरा चेक करिए एक बार कैलकुलेशन, ये 0.7 हो गया, यहां से 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई किया आपने 0.7 में तो 0.21 हो गया, 1.21 आना चाहिए। अब कैसे कर रहे हैं चेक करिए जरा। हाँ सर, 1-0 एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी। नेक्स्ट कितना आ रहा है? थर्ड में कितना आ रहा है? सी में बोलिए। अरे अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रह गया है ना बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए मैं टू आ रही, हाँ इसका भी एक शॉर्टकट आपको बताते हैं। अगर सॉल्ट ए बी टाइप मतलब इसके सिर्फ दो ही आयंस मिलते हैं तो आई जो होगा वो 1+α होगा। अगर सॉल्ट ए बी टू टाइप है ठीक है तो हमेशा 1+2α होगा, समझ में आ रहा है ना? अगर ए बी थ्री टाइप होगा तो 1+3α होगा। तो अब आप चाहें तो वो सब कैलकुलेशन भी छोड़ दें और डायरेक्ट भी कर लें आप। समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये ट्रिक याद रखिए आप। क्लियर है भाई सबको? यस सर, यस सर। डी तक किया था, ई आप देख लीजिए, कंपाउंड ए टेट्रामेराइज 40%, फाइंड आई। टेट्रामेराइज का मतलब टेट्रामर, चार मोल्स कंबाइन कर रहे हैं, चार मोल्स। तो एसो टेट्रामेराइज मतलब एसोसिएशन हो गया। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? 1-I/1 n। 40% है तो 40/100 हो गया, 1-I आपको निकालना है, 1-1/4 कर दीजिए सॉल्व, कितना आ गया? कितना आ रहा है? बोलिए भाई कितना आ रहा है? अरे क्या हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रहा क्या?
क्या आ रहा है आंसर करके बताइए आप ही लोग क्या आंसर आएगा। बोलो भाई जल्दी से कितना हो रहा है। अरे क्या हुआ चिराग, चिराग कितना आ रहा आंसर, आंसर बोलो बेटा। क्या आएगा आंसर, सर 1.53। ये कैसे किया, ये 0.4 हो गया, 0.4 में 0.75 का मल्टीप्लाई किया ना, इज इक्वल टू 1 माइनस आई, यही किया ना आपने, बोलिए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है टोटल आंसर ना, नहीं नहीं इतना कितना हो रहा है 0.3 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, तो आई कितना हो जाएगा, जीरो पॉइंट सेवन। हाँ तो आपको क्या करना होगा, आई अब आपको हर बार फाइंड करना होगा और आई देख करके ही आप उसको वेंट ऑफ फैक्टर को यूज कर पाएंगे फॉर्मूले में। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट था, चैप्टर अपना खत्म हो गया, सॉल्यूशन यहाँ पे समझ में आ गया, कर पाएंगे अब आप लोग कि नहीं कर पाएंगे। यस सर ऊपर, यस सर ठीक है, तो नेक्स्ट पेज को सॉल्व कर लीजिए आप, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। Yes sir, okay. Okay बेटा चलो गुड बाय। Bye sir, thank you. Bye sir. Bye.